पर वादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इधर दुनिया 5G, 6G और 7G तक जा रही है और यहां हमारे व्हाट्सएप मैसेज ही ओपन नहीं हो रहे। फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी ऑनलाइन सर्विस फाइवर ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानियों को काम मत दे, क्योंकि ये काम में ताखीर कर रहे हैं। वजह वही इंटरनेट का स्लो होना, तातील का शिकार होना। ये फायरवॉल है या वैसे ही नेट को स्लो कर दिया गया है, ये तो तय हो चुका है कि अगर ये चंद हफ्ते में ऐसा ही होता रहा तो पाकिस्तान ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट से आउट हो जाएगा। जब आप वक्त पर क्लाइंट की साइमट नहीं दे सकेंगे, जब आप क्लाइंट्स की ईमेल का जवाब या व्हाट्सएप मैसेज का जवाब फौरी नहीं दे पाएंगे, तब आप नए प्रोजेक्ट के लिए अपवर्क, लिंक, फाइवर जैसी वेबसाइट को कैसे चला पाएंगे, तो यकीनी तौर पर फ्रीलांसिंग की मौत हो जाएगी। क्योंकि अब तो प्रॉक्सी के साथ भी नेट स्लो हो चुका है। वक्त के साथ नेट स्लो होता है, फिर कुछ देर के लिए ठीक होता है और फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। खैर, कुल मिला के खुलासा यह है कि अब यकीन से कहा जा सकता है कि हमने कामयाबी के साथ फ्रीलांसिंग को भी सड़कों पे ला खड़ा कर दिया है। यहां पर मुझे शाकिर शुजावारी का एक शेर याद आता है। ए सियासत है बुढ़े मकारा दे हाथे च, ए मकतब इदारे गवारा दे हाथे च, खुदा इस मुल्क नू सलामत जा रखे, ए शीशे दा घर है लोहारा दे हाथे च। ¶¶